ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत लगभग 55 लाख रुपए आंकी गई है। बता दें कि अभियुक्त उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक लाकर उत्तराखंड में बेचा करता था और लगभग एक साल से स्मैक तस्करी का ये काला धंधा कर रहा था। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है और किन लोगों से ये स्मैक लाकर यहां बेचा करता था इसकी जानकारी के लिए एसटीएफ अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो हमारी एएनटीएफ की टीम है वो जो नशे के बड़े सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई है। और उसी क्रम में हमारे को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि एएनटीएफ कुमाऊँ की टीम के द्वारा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से एक बड़े ड्रग तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 537 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। ये नियर अभी पास्ट में हमारी सबसे बड़ी ड्रग्स की रिकवरी है और इससे पूछताछ की गई कि किससे लेकर आया था और उस व्यक्ति को भी मुलजिम बनाया गया है। आगे क्योंकि ये कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा गया है तो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इन्होंने अवैध जो धंधा करके ड्रग्स का कमाई है, उनको भी शीघ्र ही अटैच कराया गया।